नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैस्ट और फास्ट स्कैन एप्लीकेशन में रजिस्टर करना सिखाने वाले हैं आपको। दोस्तों, मैंने इस एनएस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया था, वो ओल्ड हो चुका है क्योंकि 2021 में इसका नया वर्जन या नया अपडेट आ गया है, जिसमें इसमें काफ़ी नए फीचर्स आए हैं और काफ़ी नई ऐप हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरह की ऐप है, पुरानी ऐप कुछ हटा दिया गया है, यानी उसके सारे फीचर्स को डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, और नई एप्लीकेशन ये रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने सिखाने वाला हूँ, तो क्योंकि इस एप्लीकेशन में नए फीचर्स आए हैं और नई प्रोसेस आई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी प्रोसेस ए टू जेड बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करके आपको भी बताना ये वीडियो आपका कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आपने इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है या डाउनलोड नहीं किया, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये रही दोस्तों एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। दोस्तों, हम जितनी बार भी यहाँ पे एंटर होंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने हर बार आएगा। यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया होता है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जब आप इस कैप्चा को फिल कर देते तभी आप आगे बढ़ पाते। तो चलिए 12:96 में इसका कैप्चा फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल कर दिया और वैलिडेट कैप्चा पर इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग चली, यहाँ से अलाउ कर देना है, जो भी मांगे परमिशन अलाउ कर देना है सब। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद न्यू टू फास्ट स्कैन इस पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको OTP फिल करनी है, जो आपको मोबाइल नंबर दी जाएगी। ठीक है, OTP पे कुछ टाइम भी लग सकता है, आपको इंतजार करना है। तो मेरी OTP आ गई, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दोस्तों, OTP में टाइम भी लग सकता है, यदि OTP ना आए तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर लेना, क्योंकि नेटवर्क की वजह से OTP नहीं आती है कई बार। ठीक है, या सर्वर डाउन होता है, इस वजह से OTP नहीं आती, तो आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं या कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद दोबारा प्रयास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, OTP फिल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर लेना है, ये सारी टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, इस पर एक्सेप्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन। आप इंग्लिश चुनना चाहते हैं, बांग्ला, तमिल, जो भी आप चुनना चाहते हैं, हिंदी, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया और सबमिट बटन पर टैप करूँगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आता है आपको पासवर्ड चुनना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और यदि आपको पासवर्ड भूल गए या पहले से इस पर रजिस्टर हैं और पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, किस तरीके से पासवर्ड रिकवर करना है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आई बटन में ये लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं अपना पासवर्ड रिकवर करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से आपको पासवर्ड डालना। देखिए, सबसे पहले अक्षर आपको कैपिटल कर देना है, उसके बाद आपको स्मॉल कर देने। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम भी दे सकते हैं या कुछ वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर देने हैं, जैसे कि सिंबल डॉलर का या एंड एट द रेट, कुछ इस तरीके से आपको चिन्ह देने हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर देने हैं, उसके बाद आपको देने हैं डिजिट, और टोटल जो अक्षर होंगे वो 6 अक्षर होने चाहिए। 6 से ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन 6 से कम यहाँ पर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ। डिस्प्ले पर स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ कुछ पासवर्ड, उदाहरण इस तरह का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप पासवर्ड सही भर दोगे तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो हैं ग्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, रेड में नहीं रहेंगे, रेड में रहेंगे तो कुछ गड़बड़ है पासवर्ड में। ठीक है, और मुझे याद रखना है, इस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, और आप पासवर्ड दोनों को मैच करके देख लेना, दोनों सेम है। ठीक है, सेम होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, यदि गलत होगा तो हमें एक एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आने के बाद आप इस आई बटन पर क्लिक करके, जैसा कि आई का आइकॉन बन रहा है यहाँ पे, इस पर आप टैप करके देख सकते हैं और मिला सकते हैं दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं। ठीक है, और दोस्तों ये सब फिल करने के बाद आपको जमा करें, इस पर सबमिट करें, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपका सेव हो गया, जब भी आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बस टैप करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आता है व्हीकल टाइप। ठीक है, आप कार, बाइक, ट्रक, आपके पास किस तरह के रिपेयर होने आते हैं और आप जो कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं
वो किस तरीके से आपको कार्ड मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। यदि आप बाइक के मैकेनिक हो, बाइकों को रिपेयर करते हो, तो उसके लिए आपको ऑयल डब्बा लेना पड़ती है। ऑयल डब्बा में वो कार्ड निकलता है, ठीक है, स्कैन करने के लिए। इस तरह से इनमें बड़े बड़े छोटे कार्ड निकलते होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे चुन लेना है आप किसके मैकेनिक हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाइक पर क्लिक करूंगा और जमा करें। यहाँ पर सिर्फ आप एक ही चुन सकते हैं, दो नहीं चुन सकते। देखिए मैंने दो पे तीन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही चुन सकते हैं, ठीक है। और बाइक पर इस बार मैं जमा कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या देना है, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद पिन कोड फिल करना है, वाहन का प्रकार हमने फिल कर ही दिया, ठीक है। पैन कार्ड, यूपीआई आईडी आप बाद में फिल कर सकते हैं या अभी भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, कुछ कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि इसमें जो नया अपडेट आया उसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर पैन कार्ड और यूपीआई आईडी फिल नहीं कर रहा हूँ। ये सब फिल करने के बाद आप सबमिट जमा करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सब फिल कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये गैलरी पे क्लिक किया और आप फोटो भी डायरेक्ट खींच के लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फोटो दे दिया, यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा, ठीक है। नाम देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पिन कोड देना है, ठीक है। पिन कोड देने के बाद पैन नंबर और यूपीआई आईडी फिल कर देनी है, ठीक है। इसी में आपका पैसा आएगा, ठीक है। यूपीआई आईडी में आ सकता है या बैंक अकाउंट में आ सकता है। बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पेन नंबर, यूपीआई आईडी यहाँ पे फिल कर देना। मैंने तो पहले से अपने सेकंड अकाउंट में फिल कर रखी है, तो मैं यहाँ पे फिल नहीं करूँगा, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है आपका नाम, पिन कोड और वाहन का प्रकार जो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। जैसा कि ये आ गया, जहाँ से जमा कर देंगे सिलेक्ट करके, हमने पहले ही कर लिया और जमा करें इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको खाता विवरण भरना है, ठीक है। मैं आपको बता दे दूँ किस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले जिसका आप बैंक अकाउंट लगा रहे हैं उसका यहाँ पे नाम फिल कर दे पहले कॉलम में, ठीक है। और दूसरे कॉलम में आप लाभार्थी का नंबर, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर दूसरे में भरना है। और री एंटर में भी आपको दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिल कर देना है, ठीक है। और IFC कोड भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। IFC कोड भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और निश्चित करें इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया है, अपना नाम भर दिया है, खाता नंबर भर दिया, री एंटर खाता नंबर भर दिया और IFC कोड फिल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटी के इसको टिक कर देना है, ठीक है। मैं बैंक खाते में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बैंक खाता जानकारी साझा करने के लिए सहमत हूँ, ठीक है, इस पर आपको कर देना। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे निश्चित है इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस चलती है, उसके बाद देखिए मेरे सामने क्या इंटरफेस आता है। दिस अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ ए मोबाइल नंबर, यानी जो मेरा बैंक अकाउंट है वो किसी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। यानी मेरा यहाँ से पहले से अकाउंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट भी जोड़ देना और निश्चित करें यानी सबमिट करें इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं कार्ड्स को, ठीक है। कार्ड्स को कैसे स्कैन करना है इसका वीडियो मैंने बनाया, आप जाके देख सकते हैं। यदि कोई भी समस्या आती तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।